दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद आपको टॉपिक का कमी हो रहा है, कंटेंट कमी हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जीवन में कभी भी कॉन्टेंट का या टॉपिक का कमी कभी भी नहीं होने वाला है। चाहे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आपका चैनल टेक कैटेगरी का हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स का हो, गेमिंग का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी कैटेगरी आपका हो, आपको किसी भी कैटेगरी में कभी भी कॉन्टेंट का कमी, टॉपिक का कमी कभी नहीं होने वाला है। बस जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को आप वॉच कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं एक एक करके वो तरीका बताता हूँ जहाँ से आप अनलिमिटेड वीडियो का कॉन्टेंट ले सकते हैं, वीडियो का टॉपिक ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों है, वो है आपका कमेंट। अगर आपके वीडियोज में कमेंट आते हैं तो आपको कमेंट्स को रीड करना है और आपको कमेंट में से एक दो टॉपिक हर दिन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके वीडियोस में कमेंट नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, अगला तरीका आपको काम करेगा। दोस्तों, सेकंड तरीका जो है वो है आपके कैटेगरी में जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको उनके वीडियोज़ को देखना है। अगर आप उनके वीडियोज़ को देखेंगे तो उनके वीडियोज़ को देख कर भी आप सीख सकते हैं और उनके वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आप आइडिया लेकर अपने तरीके में अपना वीडियो बना सकते हैं। थर्ड तरीका जो है वो दोस्तों ये है कि अगर आप Q&A वीडियो करते हैं और वहाँ पर आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तब तो ठीक है, अगर आपसे लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, आप Q&A नहीं बनाते हैं, तो आप कैटेगरी में जो भी बड़े यूट्यूबर हैं उनके Q&A वीडियो को देखिए और वहाँ से भी आपको कंटेंट मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। या फिर जब वो पोस्ट करते हैं कि भाई संडे Q&A के लिए आप क्वेश्चन पूछो, आप उस पोस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख करके आप टॉपिक ले सकते हैं और उस पर आप रिसर्च करके वीडियोस बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक बताने के लिए मैं चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन में और यहाँ पर आपको बताऊँगा चौथा और पाँचवा तरीका जहाँ से भी आप कॉन्टेंट ले सकते हैं, टॉपिक ले सकते हैं। तो बगल में आप देखेगा चौथा जो तरीका है वो है दोस्तों आपका यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो से कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कैसे टॉपिक मिलेगा वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे अपने YT स्टूडियो को मोबाइल ऐप में तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे ही YT स्टूडियो ओपन होगा यहाँ पर आपको आना है एनालिटिक्स में। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है ऑडियंस वाला सेक्शन में। यहाँ ऑडियंस में आप जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा व्हाट योर ऑडियंस वॉच, ठीक है। यहाँ पर आप सी मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ऑडियंस किस तरह का वीडियोस देखना पसंद करते हैं या फिर लास्ट 7 डेज में उन्होंने कौन कौन से वीडियोज देखे हैं, जो आपकी ऑडियंस है वो ऑडियंस और किस तरह के वीडियोज को देखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों कि कौन कौन से वीडियोज को आपके ऑडियंस वॉच करते हैं और इसमें से आपके कैटेगरी के जो वीडियोज होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप इस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ टॉपिक के बारे में, फिफ्थ तरीका के बारे में बताऊंगा और ये तरीका आपको मोबाइल में ही मिलेगा। और वो तरीका ये है कि आपको अपने मोबाइल में VidIQ डाउनलोड करके रखना है और VidIQ आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जैसे ये ओपन होगा तब यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर डेली टॉपिक्स में, ठीक है। यहाँ पर डेली आइडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे में, देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हर दिन 3 टॉपिक मिलेंगे आपके कैटेगरी से जुड़े हुए। जिस तरह के आप वीडियोस अपलोड करते हैं, जिस तरह के कंटेंट आप अपलोड करते हैं उसी तरीके का आपको 3 टॉपिक हर दिन यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेली आइडियाज में भी आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। यहां पर देखिए फर्स्ट टॉपिक आ गया है, अगर आप इसे देख लिए हैं तो आप डिसमिस या सेव कर सकते हैं, इसके लिए आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आप इसे डिसमिस कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक यहां पर आ गया है, यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपको अलग अलग 3 टॉपिक आपके कैटेगरी के मिलने वाले हैं। अगर ये सेकेंड टॉपिक आपको सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर आप डिसमिस भी कर सकते हैं, तो मैं इसको भी डिसमिस कर दूंगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक यहां पर आ गया है और तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं यहां दोस्तों आपको 3 में से कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको पसंद आएगा जिस पे आप वीडियोस बनाना चाहते होंगे। यहां दोस्तों इस तरीके से भी आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं और अगर आप इस टॉपिक को फॉलो करेंगे तो आपको हर दिन नए नए 3-3 टॉपिक हर दिन मिलेंगे। और यहां से आपको अगर हर दिन 3 टॉपिक मिलते हैं तो इसमें से 3 में से 1 टॉपिक तो आपके काम का होगा ही जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। दोस्तों इस तरीके को फॉलो करके, ये जो 5 तरीका मैंने आपको बताया है, इस 5 तरीकों को फॉलो करके आप भी अनलिमिटेड टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। और तो एक चीज जरूर कहूंगा, जब भी आप किसी टॉपिक को देखते हैं तो आप देख कर छोड़ मत देना, आपको अपने इस तरह का एक नोटपैड रखना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं भी यहां पर नोट करके रखता हूं टॉपिक्स, इसी तरह से जब भी आपको कोई टॉपिक मिले तो फिर आप तुरंत के तुरंत पेन लेकर के अपने डायरी या फिर नोटपैड में उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। या फिर अगर आप बाहर हैं, आपके पास नोटपैड डायरी नहीं है, तो मोबाइल में भी नोटपैड होता है, आप वहां पर नोट कर सकते हैं और घर
घर आने के बाद आप इस नोटपैड पर अपने टॉपिक को नोट कर सकते हैं। पांच तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इस पांच तरीके को फॉलो करोगे, इसमें से कोई तीन तरीके को फॉलो करोगे तो भी आपको जीवन में कभी भी किसी भी कैटेगरी में टॉपिक का कमी नहीं होने वाला है। यहाँ दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया है, यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, ये पाँच तरीका तो है ही है, लेकिन अगर आप किसी और को देख करके यूट्यूब पर आते हो तब आपको टॉपिक का कमी होगा ही, क्योंकि अगर आप किसी और को देख करके आओगे और आपको उस टॉपिक पर जिस पर आप वीडियोस बना रहे हो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी टॉपिक आपको मिल जाए आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है ही नहीं। इसलिए जब भी आप वीडियोस बनाओ, जब भी आप कोई चैनल बनाओ, सबसे पहले ये देखो क्या मैं इस टॉपिक पर लगातार 50 वीडियोस बना सकता हूँ या फिर 30 वीडियो कम से कम बना सकता हूँ या फिर नहीं, क्या मुझे इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करो, तभी आप उस टॉपिक पर वीडियोस बनाओ, नहीं तो आपको जिस पे इंटरेस्ट है उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाना नहीं है तो आप चैनल का जो कैटेगरी है उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करना, उसी टॉपिक पर वीडियोस रेगुलर बनाओ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।